दोस्तों ये कछुआ यहाँ से जा रहा होता है और यहाँ पे गर्मी ज्यादा होने के कारण कछुए का कवच कपड़े की तरह सुकड़ जाता है और ये देखकर कछुआ थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर कछुआ इस कवच को एक झाड़ी में उलझाकर निकाल देता है। लेकिन कछुआ इस पेड़ से आकर टकराता है जिससे पेड़ पर रखा घोंसला नीचे गिर जाता है और ये देखकर कछुआ थोड़ा चौंक जाता है और इस अंडे को जैसे तैसे गिरने से बचा लेता है और फिर कछुआ अंडे को घोंसले में रखकर घोंसले को पेड़ पर रखने जा रहा होता है। लेकिन कछुआ पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा होता है और ये देखकर कछुआ अपने कवच से पेड़ के नीचे एक जंपिंग बेड बना देता है और फिर कछुआ पेड़ पे चढ़कर घोंसले को उसकी जगह पर रखने चला जाता है और फिर कछुआ घोंसले को उसकी जगह पर रख देता है और कछुआ जैसे ही नीचे गिरता है अंडा भी उसके साथ नीचे गिर जाता है और दोनों जंपिंग बेड पर उछलने लगते हैं और ये देखकर कछुआ अपने कवच को बलून की तरह फुलाकर अंडे को घोंसले में रखने आ जाता है। लेकिन कछुआ उड़ते उड़ते कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल जाता है और फिर कछुआ इस बर्फीले पहाड़ पर अंडे को फेंक देता है और खुद भी इस बर्फीले पहाड़ पर कूद जाता है और यहाँ पे आते ही कछुए को खतरनाक ठंड लगने लगती है और इसका कवच भी पहले जैसा हो जाता है और ये देखकर कछुआ फटाक से अपना कवच पहनता है और अंडे को अपने कवच में छिपाकर रख लेता है और तभी कछुआ यहाँ से फिसल जाता है और कछुआ फिसलते हुए सीधे